हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं ये वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखने पर ये बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न नज़र आ रहा है, और सिंपल ही है क्योंकि ये एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में बना हुआ है। जैसा कि हम ज़्यादातर जो है इस तरह का बॉर्डर बनाते हैं एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में दोनों तरफ से बुनते हुए, तो अगर आपको इसी तरह का पैटर्न जो है पूरे प्रोजेक्ट पर डालना है और स्पीड में आप बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को फॉलो कीजिए। और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को जो है बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो यहाँ पे सैंपल मैंने लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये थोड़ी सी लाइन नज़र आ रही है, यहाँ तक मैंने जो है ये बॉर्डर दोनों तरफ से एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में बना के रेडी किया हुआ है। लेकिन उसके ऊपर जो है देखिए, यहाँ पे ये पैटर्न जो है एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में ही है, लेकिन ये मैंने बहुत स्पीड में बनाया है क्योंकि इसकी एक ट्रिक है जो आज की मैं वीडियो में आपको बताऊँगी। तो देखिए, इस तरह का पैटर्न बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा बॉर्डर एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में बना के तैयार किया हुआ है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस पैटर्न को फटाफट से बनाया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि जो लोग हैं वो सीधी सीधी सिलाई, मतलब सीधे सीधे फंदे जो हैं बड़ी आसानी से और स्पीड में बना लेते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हम एक सिलाई जो है, जो फ्रंट साइड पे हमारी सिलाई आएगी, वो हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए, एक फंदा स्लिप करेंगे और मान लीजिए ये बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर हमने ये पैटर्न को बनाना है स्पीड में। तो ये देखिए, हम पहली सिलाई जो है इस तरह से सारे के सारे फंदे जो हैं वो फटाफट से सीधे सीधे बना के जो हैं पूरे कर लेने हैं। रो वन हम इस तरह से करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है सीधे सीधे फंदे जो हैं ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत स्पीड में आसानी से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रो वन इस तरह से बना ली है। और देखिए, अब हमें जो है पैटर्न एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर में ही चाहिए। तो देखिए, रो टू जो हमारी रॉन्ग साइड पे आएगी, उस पर हमने देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद, देखिए जैसे जो हमने बॉर्डर पे पहला फंदा बनाया है, जैसे यहाँ पे स्लिप करने के बाद दूसरा फंदा जो है वो उल्टा है, तो हम इसे उल्टा बनाएंगे और हर रॉन्ग साइड पे हम ये जो है इसी तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने पूरी की पूरी सिलाई जो है इसी तरह से एक सीधा और एक उल्टा फंदा बनाते हुए जो है वो कंप्लीट करनी है इस तरह से। इस तरह से बनाते हुए देखिए, जो हमारा पूरा पैटर्न है वो बॉर्डर की तरह ही लगता है, लेकिन हम जो है इस पैटर्न को बहुत आसानी से स्पीड में बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये वाली रो जो है ये थोड़ा सा टाइम लेती है बनने को, क्योंकि धागा जो है इधर उधर करना होता है। तो ये देखिए, ये दो रोज जो है हम फॉलो करते जाएंगे और ये इस तरह से ये जो है पैटर्न को हम बहुत आसानी से स्पीड में बना सकते हैं। तो ये देखिए, फ्रंट साइड से तो बॉर्डर और ऊपर इस पैटर्न में कोई फर्क नहीं नज़र आता है, लेकिन अगर हम इन्हें बैक साइड से देखें तो ये इस तरह से नज़र आएगा। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से स्पीड में बनने वाला ये पैटर्न है। अगर आपको सिंपल सा बॉर्डर की तरह ही पैटर्न अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट पर चाहिए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये इसकी फ्रंट साइड इस तरह से आएगी और रॉन्ग साइड जो है वो इस तरह से बनती जाएगी, और बॉर्डर जैसे बनाया है वो दोनों तरफ से हमारा सेम ही बनता रहेगा।